સુરતમાં સોમનાથ સંપ્રદાય સામે વધુ એક આવેદનપત્ર આપવામાં આવ્યું। ગેબી પરંપરા અને નાથ સંપ્રદાય પરની ટિપ્પણી મામલે આવેદન આપવામાં આવ્યું છે। બ્રહ્મસ્વરૂપ દાસ સ્વામી સામે ગોરખનાથ સંપ્રદાયનો આ મોરચો છે। બ્રહ્મસ્વરૂપ દાસ સ્વામીએ નાથ સંપ્રદાયને અપમાનિત કર્યાનો પણ આરોપ છે। સુરતના સેવકોને નિવેદનથી લાગણી દુભાયાની પણ ફરિયાદ છે। નિવેદન આપનાર સામે કડક કાર્યવાહી થાય તેવી માંગ પણ કરવામાં આવી છે। जे रीते स्टेटमेंट स्वामीनारायण संप्रदाय आपी रहा है एमाना एक विद्वान संत से ब्रह्मस्वरूप स्वामीजीए जे एमने एटलू बधु हलकू जे स्टेटमेंट आप्यु छे नाथ संप्रदाय विरुद्ध में कि गेबी कान फटो जे असुरो हतो अने ई स्वामीनारायण भगवान ने मारवा पण आवेला एवं बधु अने घणा समाजनी विरुद्ध में पण एमने एवं स्टेटमेंट आप्यु छे। तो एना अनुसंधान में अमारा जे संप्रदाय नाथ संप्रदाय ने जे लोको माने छे गेबी संप्रदाय ने जे माने छे एना बधाय सूरत ने जे जे सेवको छे एमने दुख घणो अने ठेस पहोंचाड़ी छे एना माटे अमे कलेक्टर साहेब ने आवेदन पत्र आपवा आव्या छे कि आमां कड़क में कड़क एनी सजा थवी जोईए एना विरुद्ध में पगला लेवा जोईए। अमारा सरकारश्रीने पण अनुरोध करीए छीए कि आ स्वामीनी विरुद्ध में कड़क में कड़क पगला ले। नाथ संप्रदाय नौ नाथ 84 सिद्ध और 64 जोगनिया जो हम कहते हैं जो हमारी देवी शक्ति है जिनका विरोध करते हैं नाथों का विरोध करते हैं। तो हम ये चाहते हैं कि शायद विधर्म में भी ये ऐसा काम नहीं करेंगे। ये बोलने वाले को इनका डीएनए टेस्ट करवाना चाहिए अब कि ये सनातन हिंदू है या नहीं। हमारी मांग है कि जो ये कर रहे हैं उनको सख्त से सख्त सजा दी जाए उनके ऊपर कड़क से कड़क क्योंकि ये हमारे पर नहीं हमारे धर्म के ऊपर हानि हो रही है।